नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल मजबूती के साथ मैदान में है। इसी बीच अकाली दल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के नेता विक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का अहंकार खत्म करने के लिए उनके सामने विक्रम मजीठिया चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सिद्धू के लिए कहा कि उस इंसान में इतना अहंकार है, उस इंसान में इतनी मैं है कि ऐसे इंसान को पता लगना चाहिए कि पंजाब की जनता उसे पसंद नहीं करती। आपको बता दें कि अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया मजीठा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। साल 2017 के चुनावों के विपरीत हाई प्रोफाइल सियासी लड़ाई वाली इस बार यह एक तरीके से पंजाब में इकलौती सीट होगी। एसीडी प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि साल 2017 में हुए चुनाव में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ अपने मजबूत गढ़ लांबी से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको जीत नसीब नहीं हुई थी। वहीं अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने भी जलालाबाद सीट से आपके भगवंत मान और कांग्रेस के रवनीत बिट्टू के खिलाफ सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव आयोग ने पहले मतदान की तारीख 14 फरवरी रखी थी, बाद में इसे सभी पार्टियों की मांग को देखते हुए 20 फरवरी कर दिया गया था। यहां 20 मार्च को वोटिंग होने के बाद मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।